हुक्का पार्लर में एंट्री नहीं देने पर गोकुलपेट में दो गुट में गैंगवार छिड़ गई है। कुख्यात अपराधी सागर यादव द्वारा प्रतिद्वंदियों पर माउजर ताने जाने से परिसर में तनाव फैल गया। यह वारदात रविवार की रात हुई। अंबाजरी पुलिस ने दोनों गुट के खिलाफ मामला दर्ज कर चर्चित प्रीतम यादव सहित 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गोकुलपेट में शोशा हुक्का पार्लर है। रविवार को 12:30 बजे सीतापड़ी का अपराधी सलमान सूफी अपने 7-8 साथियों के साथ शोशा हुक्का पार्लर में पहुंचा। यह हुक्का पार्लर चर्चित प्रीतम यादव का है। प्रीतम हुक्का पार्लर में मारपीट करने को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। हुक्का पार्लर का दरवाजा बंद होने से सूफी ने पार्लर के गार्ड को हुक्का पार्लर में एंट्री देने को कहा। बताया जाता है कि ओवरक्राउड होने से गार्ड ने सूफी और उसके साथियों को एंट्री देने से मना कर दिया। सूफी और उसके साथी हुक्का पार्लर के सामने हंगामा मचाने लगे। गार्ड ने प्रीतम यादव को सूचना दी। प्रीतम साथियों सहित वहां पहुंचा, उसका सूफी और उसके साथियों से विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों गुट एक दूसरे को लात घूसों से पीटने लग गए। इस बीच शांतिनगर के कुख्यात अपराधी सागर यादव ने प्रतिद्वंदी युवकों पर माउजर तान दी, जिससे परिसर में तनाव निर्माण हो गया। पुलिस के पहुंचने की आशंका से दोनों ही गुट के अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद पुनर्युवक शोशा के सामने इकट्ठा होकर हंगामा मचाने लगे। सोमवार को मारपीट का वीडियो सामने आने पर DCP राहुल बद्दे ने अंबाजरी पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। अंबाजरी पुलिस ने प्रीतम यादव सहित 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सूफी शेखू गैंग का सदस्य है। शेख की तर्ज पर वह भी पश्चिम नागपुर में दबदबा बनाना चाहता है। वह आए दिन हुक्का पार्लर में हंगामा मचाता है। पश्चिम नागपुर के हुक्का पार्लर गैंगवार और मारपीट से चर्चा में छाए हुए हैं। ताजा प्रकरण में लिप्त अपराधियों ने 2 माह पहले सोनेगांव में मेट्रो की संपत्ति को भी हानि पहुंचाई थी। इस प्रकरण में प्रीतम यादव सहित 6 आरोपियों को सोनेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीते सप्ताह क्राइम मीटिंग में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने प्रीतम यादव और उसके साथियों को लेकर सोनेगांव पुलिस को जमकर फटकारा भी था। इसके बाद भी हुक्का पार्लर संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हुक्का पार्लर से पुलिस की गहरी साठगांठ है। गत दिनों धर्मपेट के गोदमारी कॉम्प्लेक्स में संचालित क्यूबा हुक्का पार्लर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था। यह स्थिति पहले जैसी हो गई है। बजाज नगर थाना परिसर में तो एक पुलिस कर्मी ही हुक्का पार्लर चलाता है। ताजा प्रकरण में अंबाजरी पुलिस ने दोनों गट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अंबाजरी पुलिस ठाण्याच्या आधीमध्ये गोकुलपेट मार्केट या परिसरामध्ये सोशा नावाचा जो कॅफे आहे त्याच्यामध्ये 27 तारखेला रात्री 12:30 ते 1 वाजताच्या सुमारास तेथील जो गार्ड आहे त्यांनी ऑलरेडी कॅफे बंद झालं होतं आणि लॉक करून गार्ड तिथे स्वतः तैनात होता। त्यावेळी सलमान सूफी आणि हा रेकॉर्डेड क्रिमिनल आहे आणि त्याच्यासोबतचे काही 2-3 त्याचे मित्र हे त्या ठिकाणी बड्डे साजरा करायचा आहे म्हणून आम्हाला आतमध्ये जाऊ द्यावं, कॅफेमध्ये जाऊ द्यावं यासाठी त्या गार्डला दम देत होते। मग गार्डने त्याच्या मालकाला फोन केला आणि मग त्याचे मालक आणि त्याचे काही साथीदार त्या ठिकाणी आले आणि मग त्यांच्यामध्ये आपसामध्ये भांडण वादाविवादी झाली आणि त्यावरून हा प्रकार घडलेला आहे। पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाल्यानंतर आमचे DP पथक त्या ठिकाणी गेले, परंतु त्यावेळी भांडण त्यांचं मिटलेलं होतं आणि सगळे आपल्या आपल्या घरी निघून गेले होते। सदरची माहिती सकाळी ज्यावेळी त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला त्यावरून आम्ही व्हिडिओचं विश्लेषण केलं आणि त्यामध्ये जे सहभागी होते सर्व लोकांना आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये आणलं आणि त्यांच्यावर जो गार्ड होता त्यांनी गार्डने दिलेल्या तक्रारीनुसार 294/506 323 अन्वय आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्यामध्ये सलमान सूफी राहणार बर्डी, त्याचबरोबर अभिषेक पाटील राहणार मानकापूर आणि शिवम यादव बर्डी राहणारा या तिघांच्या विरुद्ध आम्ही गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर यामध्ये जे दुसऱ्या पार्टीचे जे लोक होते त्यामध्ये सलमान सूफी यांनी जी तक्रार दिली त्या अनुषंगाने त्यामध्ये प्रीतम यादव, त्या सागर यादव, विशाल नोतवानी, गणेश लालवानी आणि इतर 2 जे वॉन्टेड आहेत अशांच्या विरुद्ध आम्ही रायटिंग विथ 294, त्याचबरोबर त्यांनी काही पैसे वगैरे आणि मोबाईल काढण्याचा प्रयत्न केला 385, 387 चाकू दाखवून धमकी, पोलिसाला तक्रार दिली तर धमकी देऊ अशा प्रकारे त्यांनी जे वर्तन केलं त्यानुसार आम्ही 425 अन्वये आम्ही त्यांना गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये आम्ही आतापर्यंत 5 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। उर्वरित आरोपींचा आमचं पोलीस DP पथक शोध घेत आहे आणि त्यांना लवकरच आम्ही अटक करून पुढील कारवाई करत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।